I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. नई संसद को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने खूब हो हल्ला किया, संसद के उद्घाटन का ही बहिष्कार कर दिया। लेकिन बावजूद इसके भारत की नई संसद की तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया हैरान थी। पाकिस्तान में तो मानो भूचाल ही आ गया। विपक्ष का काम वैसे विरोध करना होता है, लेकिन क्या हर उस चीज का विरोध करना जायज है जो देश के सम्मान में किया जाए? लेकिन विपक्ष ने तो मानो ठान रखा है कि हम तो सुधरेंगे नहीं। संसद भवन के उद्घाटन के दौरान भी यही बात कही गई कि राष्ट्रपति का सम्मान करना बीजेपी को नहीं आता। लेकिन कल जो तस्वीरें पूरे देश ने देखी, उसके बाद विपक्षी पार्टियों को करारा जवाब जरूर मिल गया होगा। पीएम मोदी ने किस तरह से देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सम्मान किया, वो तस्वीरें वायरल हैं। लेकिन लगता है कि विपक्ष को ये सम्मान भी हजम नहीं हो रहा और वो लगातार पीएम मोदी के विरोध में ही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी जब अमेरिका दौरे पर हैं, तो वो वहाँ भी पीएम मोदी का अपमान करने से बाज नहीं आ रहे। जब पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में अपना सिर झुका रही है, उनके पांव छू रही है, तब राहुल गांधी सरीखे नेता विदेशों में अपने ही पीएम के अपमान करने पर तुले हैं। ना सिर्फ पीएम का अपमान, देश की छवि पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं। सैन फ्रांसिस्को में भारतीयों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। इसके साथ साथ उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए पे कहा कि इसे रोकने का प्रयास किया गया, देश में लोगों को डराया धमकाया जा रहा है और संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। राहुल ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, भगवान से भी ज्यादा जानते हैं, वो भगवान के साथ बैठ सकते और उन्हें भी समझा सकते हैं। That we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, you know, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने भारत देश की छवि पर भी प्रहार किया, भारतीय मीडिया को भी नहीं बख्शा। राहुल गांधी ने कहा कि भारत वो नहीं है जो मीडिया में दिखाया जाता है, वो तो एक ऐसी राजनीतिक सोच को बढ़ावा देना पसंद करता है जो वास्तविकता से बहुत दूर है। लेकिन जनता कहीं की भी हो, वो सब जानती है और राहुल गांधी के इस बयान पर जनता ने उन्हें आड़े हाथों लिया। डॉक्टर सौरभ लिखते हैं, कांग्रेस में कुछ लोग सोचते हैं कि उनके ऐसे बयानों से वो सत्ता में वापसी कर सकते हैं। देखिए भैया, 10 साल की मेहनत के बाद अगर लीडर ऑफ अपोजिशन बन सके आप लोग तो भी बधाई है। प्रफुल्ल लिखते हैं, ये बंदा ना जबरदस्त है, मतलब क्या ही कहे यार, इसके बारे में जिस तरीके से बात करता है, लोगों से बात करता है, एक ही बात मुंह से निकलती है, वाह क्या एक्टिंग करता है, ऑस्कर को भी कंफ्यूज कर दे, जबरदस्त एक्टिंग। अभी अमेरिका में लोगों को एक्टिंग सिखाने गया है, फिर पाकिस्तान में सिखाएगा। निशांत सिंह कहते हैं, साहब आपकी तो आदत हो गई है बाहर जाकर अपने देश के खिलाफ बोलना, कभी तो देश की तारीफ कर दिया करो, मुझे लगता है आपको परिवारवाद भारी पड़ा है। जब आपके परिवार को इस देश की जनता ने सत्ता से हटाया, आप करोगे क्या, देश की बुराई करोगे ना? यही ट्विटर यूजर आगे भी लिखते हैं कि अंग्रेजी बोलने से कोई ज्यादा शिक्षित नहीं हो जाता साहब, अंग्रेजी बोलकर भी आप कर क्या रहे हो, देश को गालियां ही तो दे रहे हो विदेश में जाकर। शांडिल्य कहते हैं, शर्म आनी चाहिए, कभी देखा है दूसरे देश का अपोजिशन पार्टी का नेता भारत आकर अपने देश को कोसे, ये काम आप बढ़िया करते हो, अपने देश को विदेशी धरती पर बदनाम करने का, कम से कम शशि थरूर जी से बात समझ लो, यू कैन नेवर बी माई भारत लीडर एवर। तो देखा आपने, अपने देश का अपमान और देश के पीएम का अपमान राहुल गांधी विदेशों में जाकर कर रहे हैं, तो जनता ने ही उन्हें समझा दिया कि तुम देश के नेता बनने लायक ही नहीं हो। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।